नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा जोर डिजिटल पेमेंट पे रहा है। अब वही डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी आज वो लॉन्च करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि डिजिटल पेमेंट क्या होता है और ये ई रूपी कैसे उससे अलग होगा। तो आपको बता दें कि अभी तक जो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं हम लोग, उसमें या तो किसी ऐप का सहारा लेते हैं या नेट बैंकिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन आज जो वो ई रूपी लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत बीच में नहीं होगी, किसी ऐप की ज़रूरत नहीं होगी, नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ये कैसे करेगा काम? क्यूआर कोड के माध्यम से करेगा, कैसे करेगा, ज़रा इसके बारे में जानिए। ई रूपी एक कैशलेस और कंटेक्टलेस तरीका है। ये एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स को वाउचर रिडीम करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर पर किसी कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर के साथ सर्विसेज के स्पॉन्सर्स को आपस में जोड़ता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट किया जाए। पेड होने की वजह से यह किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सर्विस प्रोवाइडर का समय पर भुगतान करता है। सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ई रूपी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई सामाजिक कल्याण योजनाओं में हो सकता है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाओं के तहत मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दवाओं और निदान के तहत दवाएँ, पोषण सहायता के लिए योजनाओं में सर्विस देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च करने का मुख्य मकसद है ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा आसान और सुरक्षित बनाना। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिल करके तैयार किया है। तो जैसा कि आपने सुना, इसका काम करने का एकदम तरीका अलग होगा। इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं बीच में पड़ रही है और जो इसका मकसद है वो बीच के कट मनी को हटाना, जो कि अभी तक डिजिटल पेमेंट में दिक्कत होती थी कि माध्यम की ज़रूरत पड़ती थी और वैसे मैनुअली पेमेंट कीजिए तो कट मनी चला जाता था बिचौलियों के, और उसी को और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।